सालियों को देखते जीजा हुए फरार। हेलो जी, तो ये हो गया है शाम। अभी रात के बज रहे 9 और पतिदेव लेने आ चुके हैं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है खाना, सब कुछ बन चुका है, बस रोटी बना रही है। तो यहाँ पे बनाए नेनुआ की सब्जी, भिंडी का भुजिया, दाल, रोटी और चावल। तो पतिदेव खा ले, तो उसके बाद मैं भी खा लूँगी, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। तो काफ़ी लेट हो जाएगा, 9-10 अभी हो चुका है। और सुबह से धृति का स्कूल भी शुरू होने वाला है, तो सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है, उसका स्कूल रहता है। तो जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा है, लेकिन धृति का स्कूल वगैरह भी बहुत मिस हो रहा है। तो ये हुआ कि अभी सब लोग जा भी रहे, वैसे मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था कि अभी जाने तो पाएगा। और यहाँ पे पतिदेव आ गए, तो चाय पानी सब नाश्ता पानी हो गया था। तो यहाँ पे सादा खाना ही आज बना था। आपको लग रहा है ये फर्स्ट टाइम या दूसरी बार ऐसा होगा कि पतिदेव के लिए सादा खाना बना है। मतलब अधिकतर नॉनवेज ही बनता है। अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये हुआ कि सादा खाना ही बनेगा। उन्होंने खुद बोला था कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, उन्होंने तो साफ मना किया था कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दामाद अपने ससुराल जाए तो बिना खाए उसको कोई भी आने देता होगा। तो हम लोग क्या भाई, सेम वही चीज़ है। क्या ही सालियों को देखते जीजा हुए फरार। इससे पहले उन्हें पूछा पड़ता कि क्या हुआ जी, क्यों इतने दुखी हैं। और ये हमारी चाची हैं जो कि तन्नी सा लट लेके पानी से लपेट के। चला मम्मी, अब विदाई दे। चला जाता है उसका हो जाता है। ये ऊपर का खोचा मिला नीचे ऑन है। तो यहाँ पे ये मेरी बड़ी वाली आंटी है जो कि खोइछा दे रही हैं, क्योंकि जैसे इनके बड़े छोटे वाले बेटे की शादी थी तो इन्होंने बुलाया था। तो हम लोग क्या होता है ना कि जैसे कोई भी ससुराल वाली बेटियों को बुलाता है शादी वादी में, तो आने के टाइम जैसे खोइछा वोइछा भी वो लोग देंगे, विदाई भी वही करेंगे, और जैसे खाना पीना सब इन्हीं के तरफ ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती। मुझे लग रहा है कि अधिकतर सब लोग क्या ऐसे ही होता होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम हमेशा जाते हैं, कोई भी लड़की हम लोग के यहाँ जाती है तो पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है बाहर छोड़ने के लिए, चाहे वो रात के 12-1 क्यों ना बज रहे हों। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे जाने के मतलब छोड़ने के लिए। और मेरी नई वाली भाभी थी, वो आ रही थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं आप जाइए, सो जाइए। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। मतलब अंदर से अजीब सा ही लग रहा है कि सिचुएशन जो होता है ना विदाई वाला, बहुत ही अजीब सा। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने दादी बाबा का आशीर्वाद लेने। चाहे मैं रात में कितनी भी लेट जाऊँ, अगर वो लोग सोए भी रहते ना, तो भी मैं आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाती हूँ। और इन लोग को बस लगता है कि सोए, जैसे ही मैं पैर टच करती हूँ ना, तो बाबा तो दादी तो कहती जा रही हो। बाबा दादा दादी मेरे सो गए थे। स्तुति कहाँ है? जागर तो आ बेटू, मौसी देखो धीरे धीरे जा रही है। आओ चलो, चला जीजा जुआ तुम्हारे। आओ बंदी, स्कूटी में धूले धूल भर दे भाई। शेक हैंड कर लो, शेक हैंड करो स्कूटी। आओ आओ बेटा। हम लोग अभी चलेंगे स्तुति जरा और यही यहाँ का नाच मैं ऊपर थी घर पे खेले थे हम लोग। अम्मा का जा रही हो ओ चलोगी धृति के घर चलोगी नहीं धृति को छोड़ दे तुम्हारे पास धृति को अपने साथ ले जाओगी ले जाओगी कठिन हूँ मम्मा धृति कितनी सुंदर लग रही है दी तनी इस सूती का और वे कहाँ जा रही हो आप करतूत देख लो पीछे किसके घर मेरे घर सब बालू फेंकी चला निकली मैं गोरखपुर रहती हूँ मैं गोरखपुर रहती हूँ और मैं अपने पापा से बोलती हूँ मैं जबरदस्त आपको फिर से मेरा वाला स्कूल है तो मैं रात को अरे बच्ची छोड़ दे फिर भैया रे अरे बाप बस तो आप चलो चंगू मंगू कौन चंगू मंगू है कि चंगू मंगू आ गया हम इच्छा इधर आ जाते हैं किसी भी चीज की ए बुढ़ा चला बैठा चला बैठा ये नहीं जाएंगे भाई मम्मी ये नहीं जाएंगे ये अभी रहेंगे 4 मिनट लाग जाएंगे। मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। ये दूसरे दिन की वीडियो है। आते ही एक दिन बाद धृति की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं क्यों अचानक से उसके कान में बहुत तेज दर्द होने लगा और मतलब खाने पीने में भी उसको दिक्कत हो रही थी। तो ये हुआ बच्चे का सवाल भाई डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तो यहाँ हम लोग डॉक्टर के पास लेके आए। डॉक्टर ने तो पहले ऐसा कुछ बोला कि मतलब मेरी पूरी फैमिली में एकदम तहलका मच गया कि अरे ऐसे कैसे हो गया ये वो। जबकि कहाँ आई डॉक्टर क्या हॉस्पिटल क्या करने आई बुखार चेक करवाने दर्द हो रहा है कान में बता दो। परसों रात को चिल्लाई है तो भी है हाँ बुखार हाँ किस कान में तुम तो हंस रहे हो। परसों रात को परेशान की फिर रात काम कर दिया है। इंफेक्शन है वो भी जब बहना शुरू हुआ कि नहीं हुआ तो नहीं कैमरा है ये देखो ना क्या है नहीं होगा आज के बाद नहीं होगा काटे रही कुछ वो मत दूर रहो काट लगी देखो नीचे काली वाली देख रही थी मैं ये देखो ये काली हाँ साफ है। और यहाँ पे धृति को दिखा के हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि फिर दवा वगैरह ले लिए थे और डॉक्टर ने बोला था कि पर्दा फट गया फिर बोला नहीं इन्फेक्शन हुआ है। तो बाद में हम लोगों ने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे इतना सारा दवा मिल गया और धृति को खुश करने के लिए धृति के पापा ने धृति को बलून दिला दिया है। तो मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक।